5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मद्य निषेध के संबंध में सदन के सामने प्रस्तुत हुई है, मैं उसके संबंध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं। इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अंदर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ठोस और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबंदी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह आवश्यक है कि हम मद्यपान ना करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो, या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो, उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उसको ठीक तरह से कर नहीं सकता। और यह शराब एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन खो देती है। इसीलिए हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज़ का ज्ञान देना है, किसी चीज़ को उन्हें सिखलाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इंसान का दिमाग ठीक रहे, और इसीलिए नशाबंदी का होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात का प्रचार स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी किया गया। यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिंदू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, ईसाइयों की बाइबिल को देखें, या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें, तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शराब पिए। हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हों या महात्मा गांधी जी हों, जो कि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा इंसान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शराबबंदी को जहां जहां भी ढील दी गई है, वहां पर देख रेख से पता चलता है कि हालत कितनी ख़राब हुई है। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में ना रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेंगी, और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अवसर है। सभापति महोदय, शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी साबित होती है। जहां पर नशाबंदी खुल गई है, मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर शराबबंदी लागू नहीं है, वहाँ पर दिन दिन गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, इस अनुदान पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने तीन परिस्थितियाँ हैं। नक्सलवादी किसान विद्रोह, देश के अनेक भागों में अकाल की काली छाया और आंदोलन की बढ़ती हुई लहर। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार की अब तक की खाद्य नीति और कृषि नीति असफल सिद्ध हुई है। इसका मूल कारण क्या रहा है? कारण केवल एक रहा है कि क्रांतिकारी भूमि सुधार अब तक 23 साल के अंदर भी नहीं किए जा सके, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 वर्ष में वे कर दिए जाने चाहिए थे। इसीलिए हम इस क्षेत्र में अब तक असफल सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संग्राम के ज़माने में सबसे आकर्षक नारा हिंदुस्तान के करोड़ों मानव को, किसान को दिया गया था, यानी जमीन उनको दी जाए,
जिनके हाथ जमीन जोतते हैं, लेकिन वह राष्ट्रीय आदर्श आज तक भी चरितार्थ नहीं किया जा सका है। एक तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन पड़ी है, जो खुद सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 11 करोड़ एकड़ से कम नहीं है। जमीनों का उपयोग ना होने की वजह से आज खाद्य समस्या हमारे लिए एक महान विभीषिका का प्रश्न बन गई है। आज स्थिति यह है कि करोड़ों खेत मजदूर भूमिहीन आदिवासी हरिजन एक तरफ पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एकड़ प्रति बंजर जमीन अनेक रूप में पड़ी हुई है, लेकिन उनका संगम समागम होने दिया जा रहा है। इसीलिए आज बेकारी में भी इतनी वृद्धि हुई है। हम यह नहीं कहते कि प्रति बंजर जमीन को भूमिहीनों में बांट दें और भूमि सुधार के क्रांतिकारी कानून से सारी बेकारी दूर हो जाएगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उससे बेकारी की गिनती में बहुत बड़ी कमी होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है खाद्य समस्या, इन्हीं कारणों से उसका समाधान आज तक नहीं हो सका है। बाद में भी हम दूसरों के अन्न के सहारे जी रहे हैं। हमारा देश तीन रोटियों में से एक रोटी के लिए दूसरों का मोहताज है। यह एक कलंक है जो आज तक हमें उठाना पड़ रहा है। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने की उन्होंने कोशिश की है। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष दर्जा दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के वास्ते कोई विशेष दर्जा चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था, उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के ज़माने में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थीं। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अलावा समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत रवैया अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाजसेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब रवैया है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज नहाते हैं, पर हमारी सड़क या गली गंदी है, जिसकी जरा भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है।
और कोई इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत ज़रूरी है, यह उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है।